कहाँ जा रही हैं आप? काटा है धान और काटे और का। अच्छा, ये आपके गांव में शराब वराब पी के इतना बड़ा कांड हो गया, शराबवा पिए थे कहा है ये लोग? अब कहा जरी का पिए थे सर, मैंने अब ऐसे परिवार बर्बाद हो जाए। अब जगह पिए बर्बाद ही करे तो शराब पियेंगे, पत्नी को मारेंगे, शाम को बिना खाए हम भी सोएंगे, पत्नी और सब लोग सो जाएंगे। वो कहा थी बूढ़ा माता? का बोली वो का कहा थी? वो अरे जब सर पिया था, जब पियत बात वो का क्यों पकड़ पाए? ये हसी वाले कहे दौड़ौती हसे ना, सही बताओ भाई, एक दाग खड़ी हो जी है ना, तो उनके हिम्मत शराब पिए एक बार है, शराब पीजिए और घर पे आके झगड़ा कीजिए। हाँ सर, जब आदमी बोले तो तब बंद कर दिए, बोले तो का बंद करी क्यों? जो व्यक्ति मारा है उसके भी एक लड़की है, आखिर आज वो लड़की तो अनाथ हो गई, अब वो तो आजीवन पूरा। कई लड़के हैं उनके? सर दो ही लड़कियाँ हैं, एक लड़की एक लड़किया। अच्छा, एक लड़का एक लड़की बस? जवान जोन मारा गंग के लड़के हैं? चार लड़के हैं, चार थी है ना? चार जो मारे गए चार लड़कियां उनकी है। बताओ, कहा जाता है कि जब तक माता पिता हैं तब तक लड़कियां आती हैं जाती हैं, किसके भरोसे वो लोग आएंगी जाएंगी? क्या करे भरोसे है? वहाँ दोनों भाई हैं, वही ले हैं तो ले हैं। अरे भाई कौन भरोसा है, जब जो लड़कियां हैं उनका सारा जो है अधिकार केवल पिताजी के रहते होता है। हाँ और कहा जो सरबी का बोल दे बस यार, आप बोले वो, अरे भागे ना, आप बोले ना के, अरे बोले हमें कौन दिक्कत मन सेधु लोग जो सरबवा पी पी आओ, इन्हें बता दे बस का न हो चाहिए। साहेब शराब ना पिए के चाहिए, अपने लड़किया बच्चे के देखे के चाहिए और कमाई खियाओ के चाहिए। शराब पी के यही है तो मरी है गरी है लड़के बच्चा का, तो लड़के बच्चा भूखे मरी है, जौन कमाई है तौन पी है। अच्छा, ये अगर महिलाएं चाहें तो क्या वो शराब पीने की हिम्मत हो सकती है? अगर आप लोग टाइट हो जाएं उसका शराब पी लेंगे वो? ना ही छोड़ा है ना सार पाइप हमारे सब। हाँ, मारे गए हमें तब कैसे छोड़ेगा? अब आप समझिए कि महिलाओं का इतना प्रभाव है इस गवर्नमेंट में कि योगी जी कहते हैं अगर कोई महिला अगर थाने पर कंप्लेन कर दे तुरंत उठा लो उसके पति को। अब दिक्कत ये, पति भी अगर उठाया जाएगा उसे अगर पुलिस मारेगी तब भी दर्द होगा आप लोगों को साहब? हाँ दर्द। अच्छा, बिहावक पहले लोग पिए थे? बताओ पिए थे पता ना साहब, आप बताओ माते साहब, तो भाई का बताई है पुरानी मनाई हम का कुछ समझ नहीं। जब बिहावा होते है तब तो कहिए कि लड़का हमारा बहुत अच्छा बा, कमात बा, तुम्हारी बिटिया खियाई। ना पीते तब बिहावा? हाँ ना बरात पीते ना तब मने शादी बियाह करत बा, पिए के बाद मने जब ओहो एक गान सुने ना भागा सुने 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 मुझे पीने का गम नहीं, मैं पीता हूँ गम भुलाने को। अरे सुने सुने, अरे रुके दो मिनट, रुके आप, अरे यही बगलिया, अरे अरे आओ यहाँ, अरे यही बगलिया बगलिया, अरे अरे बैठे हैं, अरे बैठे कुछ बहू हैं। ओहो आप बताइए सही सही बात भैया, सब यही रहा कि इन लोग ये कहना है कि शादी होने खोता है तो लोग शराब वराब की। अभी इस गांव में एक कांड हुआ, वो कांड ये हुआ कि शराब के नशे में आते हैं और अपने भाई से विवाद होता है थोड़े से, ये काट दे बेगा, तो थोड़े से मैटर विवाद होता है और वह दोनों परिवार बर्बाद हो जाता है। अब आप समझिए कि काम आते बर्बाद होएंगे दोनों जने, वो बर्बाद हो गए ना। हाँ। बिटिया शादी कैसे हुई उनके? अब का बतावे, राम वही करी है, हैं? राम करी है अगर शराब पीना लोग छोड़ेंगे नहीं, घर बर्बाद हो जाए, परिवार बर्बाद हो जाए, सुबह शाम खाने व्यवस्था हो चाहे ना। हाँ हाँ, अब पी ली है तो मार काट करी है जरूर। अच्छा हाँ, यह गतिव्या ये डंडा वंडवा लेके कहने मारतिन मने वाने। अरे भैया हम का मार, बैठे माते बैठी, आप उन्हें पैर दर्द करिए आपके, हम आहिन के मार दे है और का मने भूल गई है कि महतारी हो। हाँ और का पी एक बदमा पिए पर कुछ आग पानी ना सुझात। अच्छा
तो का करे सरकार शराब वराब बंद ना कर पावत बे। अब तो हरन सब बंद करावा भैया। अच्छा हाँ। मतलब समस्या आप लोग का होत है शराब से। हाँ। देखिए भैया ये माता जी है इनका पीड़ा है कि कहीं ना कहीं जो शराब लोग पीते हैं भैया शराब पीना बंद नहीं करेंगे, परिवार का जो दशा है वो सही नहीं होगा, बच्चे खाए बिना मर जाएंगे, मंजूर है लेकिन शराब पीना नहीं बंद करेंगे। तो भैया ठीक है अगर शराब नहीं बंद करोगे, जैसा इस गांव में कांड हुआ है कि एक भाई ने अपने भाई को ही मार डाला, आखिर में आज एक भाई तो मर गया, एक भाई जेल में रहेगा और दोनों परिवार बर्बाद हो गया। वो इनके चाहे बच्चे हों चाहे उनके बच्चे हों, इनके भी मतलब लड़के लड़की हैं, उनके भी लड़के लड़की हैं, आखिर में कौन देखेगा। और सबसे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो उनकी जो मारे गए हैं उनकी जो लड़कियां हैं, आज उनके पिता थे उन्हीं सहारे वो आती थी, आखिर में भाई तो ठीक है भाई होता है लेकिन जो लड़कियों को मतलब एक अधिकार होता है, एक घमंड रहता है हमारे माता पिता हैं हमारा शान से आएंगे और जाएंगी, अब वो क्षमता नहीं रह पाएगी, वो बहनें वो लड़कियां रोएंगी जब भी कोई त्यौहार आएगा। हम लोग का तमाम त्यौहार आता है उसमें लड़कियां अपने घर से अपने पिता के यहाँ आती हैं, पिता भी कम से कम हाल चाल लेता है लेकिन जब लड़कियां किससे अपनी कष्ट कहेंगी, किससे आखिर अपनी बात को कहेंगी। तो यही सब बातें रहा, हमने अभी कुछ यहाँ पे माताएं बहनें उनसे जानने का प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात निकल के आ रही है कि लोग शराब पीना अगर नहीं बंद करेंगे तो ऐसे गरीबों का घर बर्बाद होता रहेगा, ना घर में एक ईंटा लगेगा और बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, और खाने अगर बात किया जाए तो उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, स्कूल वाला बोलेगा कि भैया फीस जमा कर दो, तो जब पत्नी बोलेगी कि चन्नू के पापा वो स्कूल वाला फीस मांग रहा है तो कहेंगे मुन्नी के पापा तुम ऐसा है तो चुप रहो हम जाकर फीस जमा कर देंगे, फीस जमा नहीं होगा भैया बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, ऐसे हमारे समाज के परिवार बर्बाद होते रहेंगे। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ किस जो सरकार ये मतलब शराब जो चीज़ है जो लोग पीने के बाद, अभी तो गाना में सुना था कि मैं शराबी नहीं हूँ, हाँ क्यों बोल रहा था, हाँ आओ यार ना आओ यार इधर आओ इधर आओ इधर अरे इधर आओ 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 चले ठीक वही है जो एक गाना है कि शराब में अगर नशा हो नाश्ती बोतल, तो यहाँ भैया क्या है लोग खुदे नाश्ते हैं, आएंगे पत्नी को मारेंगे, पत्नी बेचारी किससे कहे, अपने भाई से कहे अपने पिता से कहे, वो भैया वो दशा तो एक महिला समझ सकती है, वो कोई समझ नहीं पाएगा। जय हिंद जय भारत।